रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। गिवन क्वेश्चंस तो सभी लोग देखेंगे बोर्ड की तरह। जो मैं पहला रूल आज सिखाऊंगा ना, यू विल गेट वन क्वेश्चन ऑफ दिस। जो आपका पेपर है ना, पेपर में आप लोगों को पहले 8 क्वेश्चन मिलेंगे, दो दो मार्क्स के। कितने? 8 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। दिस मीन्स 8 × 2 तो हो गए 16 मार्क्स है ना। इसके बाद बेटा आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। 4 × 5 हो गए 20। इसके बाद आई थिंक दिस इज 36 है ना टोटल में। इसके बाद आपको 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 24, तो टोटल मिलेंगे 60 मार्क्स। और 30 मार्क्स आपकी ट्यूटोरियल के तो हो गए 90। फिर आपको 10 में आपको पता ही है वो एडजस्ट हो जाएंगे आपके अटेंडेंस और बाकी चीज में। तो जो आपका ये है ना 4 मार्क्स ऑफ 5 मार्क्स यू विल गेट 1 क्वेश्चन ऑफ दिस रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, इस पे आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। तो पहला रूल देखना, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। जो पहला रूल है ना, चेन रूल या प्रोडक्ट। चेन रूल या प्रोडक्ट रूल। तो बेटा अगर आप देखेंगे ना टाइटल से, तो इसमें दो फंक्शन हो जाए प्रोडक्ट में। अगर आपके पास दो फंक्शन है ना, सपोज आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरी फंक्शन है बेटा जी ऑफ एक्स। थोड़ा कंसंट्रेट बेटा, आपके पास दो फंक्शन दिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो आप लोगों को इनकी डिफरेंशिएशन निकालनी है। क्या निकालनी है? तो आपको पता है दिस सिंबल डी बाई डी एक्स इट स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन है ना। किस किस का निकालना है? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है ना। दो फंक्शन है बेटा आपके पास, दोनों किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में। बिल्कुल कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। अगर आपको दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन किसमें है बेटा? मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट में। आप लोगों को इनकी क्या निकालनी है? डिफरेंशिएशन। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से एक फंक्शन को बाहर निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स को बाहर निकालते हैं, डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे दूसरी फंक्शन की जी ऑफ एक्स का। फिर बेटा इसके बाद हम जी ऑफ एक्स को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं एफ ऑफ एक्स। तो सभी लोग ये रूल नोट करेंगे, अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या काम करते हैं? एफ ऑफ एक्स को बाहर निकालते हैं, डिफरेंशिएशन किसकी निकालते हैं? जी ऑफ एक्स प्लस। फिर जी ऑफ एक्स को बाहर निकालते हैं, डिफरेंशिएशन किसकी निकालते हैं? एफ ऑफ एक्स। दिस रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल और चेन रूल। अब बेटा आपका क्वेश्चन होगा, सर इसको चेन रूल क्यों कहते हैं? वहां कभी तीन फंक्शन होंगे, कभी चार फंक्शन होंगे। तो बेटा आप लोग क्या काम करेंगे, एक को लेंगे बाकी को ऐसे रखेंगे, फिर प्लस दूसरे को लेंगे रेस्ट को ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो हम क्या काम करेंगे, एक को बाहर निकालेंगे दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर निकालेंगे पहले वाले की डिफरेंशिएशन। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा, वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, वो ऐसे लिखते शॉर्ट में। अगर हमारे पास डी ऑफ एक्स ऑफ यू और वी दो फंक्शन लेते हैं, कौन कौन सी? यू और वी। वो कहते हैं यू को बाहर निकालो, वी को कर लो डिफरेंशिएट, फिर वी को बाहर निकालो, यू को कर लो डिफरेंशिएट। ये भी यही है ना बेटा जो मैंने कह दिया, जो मैंने कहा ना एफ एक्स को बाहर जी एक्स को डिफरेंशिएट, फिर जी एक्स को बाहर एफ एक्स को डिफरेंशिएट। दिस इज व्हेन द टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट, न्यू पेज है ना। जब दो फंक्शन किसमें थे? प्रोडक्ट में। अब सभी लोग देख ध्यान से, अब आप लोगों ने कहा सर हमारा क्वेश्चन ये है रूल नंबर सेकंड, अगर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन का सम है, वहां दो फंक्शन है यू और वी, लेकिन दोनों किसमें? सम में। ये मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़े दिखाया। अगर आपके पास बेटा दो फंक्शन है लेकिन बीच में सम एडिशन है ना, तो अलग अलग करते हैं इंडिविजुअल, डी ऑफ यू प्लस डी ऑफ वी इनटू डीएक्स। अगर आप लोग प्रीवियस को देखेंगे, प्रीवियस वाले स्लाइड टेस्टमेंट, अगर आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे ना, इस वाले पे आप लोगों ने, अगर प्रोडक्ट में है आपने कहा एक को बाहर निकालेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सर सेकंड वाले को बाहर करेंगे पहले वाले को डिफरेंशिएट, है ना। इन दिस आप लोग कह रहा है यहां पर बेटा, अगर सर दो फंक्शन है किसमें है? सम में। सम में, तो एक को करेंगे इंडिविजुअल, दूसरे को भी करेंगे इंडिविजुअल। अब तीसरा रूल है, अगर दो फंक्शन है बेटा डी ऑफ यू माइनस वी, अगर दो फंक्शन डिफरेंस में है, इनको भी इंडिविजुअल करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वी, ठीक है ना। कितने रूल्स हो गए, तीन और फोर्थ वन। अगर आपके पास दो फंक्शन है लेकिन बेटा ये क्वेश्चन रूल में है, डिवाइड में है ना, लेकिन यहां पर कंडीशन u बटा v, v नॉट इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन के बीच जीरो, v नॉट इक्वल टू जीरो, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास दो फंक्शन है लेकिन किसमें है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, क्वेश्चन रूल है ना, तो बेटा इसमें काम क्या करते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखो पहले v को ऐसे रखते हैं, v को एज इट इज, u को डिफरेंस नहीं करते हैं, डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। माइनस अब u को ऐसे रखते हैं v की डिवाइडेड बाई करते हैं v स्क्वायर। ये रूल बिल्कुल याद रखना, जब मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में कहा ना, मैंने कहा दो में से कोई भी निकालो, यहां पर जरूरी याद रखना, पहला v को ऐसे रखना है, u को निकालना, डिफरेंशिएशन करना, फिर माइनस u को ऐसे रखना है, v को डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। दिस वॉज द रूल हाउ वी कैन फाइंड डिफरेंशिएशन व्हेन वी हैव टू फंक्शन इन सम, टू इन डिफरेंस, टू इन प्रोडक्ट, टू इन फ्रैक्शन, इन क्वेश्चन है ना। अब बेटा कुछ फार्मूला जो आपको याद रखने हैं, अभी कुछ भी नहीं लिखना है आपको। फार्मूला नंबर फर्स्ट, लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा अगर हमें निकालना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन की डिफरेंस क्या होती है, जीरो, याद आया। अगर बेटा आपके पास कॉन्स्टेंट फंक्शन है, सेवन है, फाइव है, ए है, बी है, तो इनकी डिफरेंस है जीरो। ये फार्मूला याद रखने। फार्मूला नंबर सेकंड बेटा, मैंने कहा अगर आपके पास कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स रेज पावर एन, अगर पावर फंक्शन है, मीन्स एक्स रेज पावर एन, एक्स रेज पावर थ्री, एक्स रेज पावर फोर, पावर डाउन, पावर माइनस वन, ये रूल है, पावर डाउन मीन्स एन नीचे, एक्स रेज पावर एन माइनस वन, यहां तक क्लियर। फार्मूला नंबर सेकंड, फार्मूला नंबर थर्ड बेटा, सभी लोग याद रखिए, डी बाई डी एक्स आर, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज पावर एक्स, अगर आपके पास एक्स, इसकी डिफरेंस होती है ई रेज पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड फार्मूला नंबर फोर, अगर आपके पास बेटा लॉगरिथम फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो वो होता है वन अपॉन एक्स, यहां तक क्लियर, सभी को रूल याद है। अगर हमें कॉन्स्टेंट फंक्शन निकालनी होगी उसकी डिफरेंस है जीरो, अगर हमारे पास पावर फंक्शन है पावर डाउन, पावर एन माइनस वन, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है नो चेंज सेम, अगर लॉगरिथम फंक्शन है इसका होता है लॉग एक्स का क्या आएगा वन बाई एक्स। और बेटा इसके बाद दो तीन और फार्मूला नोट कर लो, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा नहीं आएगा वहां पे, जितना आएगा ना वो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद फार्मूला नंबर फोर, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सपोज साइन एक्स, साइन की होती है कॉस एक्स, जो साइन है ना इसकी डिफरेंस क्या होती है कॉस। और बेटा सिक्स्थ वन, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालनी होगी कॉस एक्स की, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और एक और चीज याद रखो, अगर आपके पास है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, अगर निकालना होगा बाय द वे टेन एक्स का होता है sec square x। और बेटा अगर एट्थ वन, इफ यू हैव डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, वो होता है बराबर cot x होता है माइनस cosec square x, ठीक है। इतना आप लोगों के लिए काफी है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। राइट डाउन दीज थिंग्स। मैं क्वेश्चन आया ऐसा बेटा, सभी लोग देखेंगे ध्यान से, इफ y इक्वल टू, वहां आया क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सभी लोग देखेंगे ध्यान से, आप लोगों को एग्जाम में मिला क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले आप लोगों को माइंड लगाना है, आप लोगों ने कहा सर जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वी हैव यहाँ पे इफ है ना, आप लोगों ने एग्जाम में सिंस, जब इफ होगा ना क्वेश्चन में, आप लोग लिखेंगे आंसर में सिंस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। सर जब हमने क्वेश्चन देखा ना, इसमें दो फंक्शन है एक्स और साइन एक्स, तो आपने कहा सर दिस इज यू इन टू वी, इट इज यू इंट, लेकिन आपको पता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे हमें पता है हमें कैसे निकालना है ना, तो आपने कहा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स, तो ये बनेगा ना डी वाई बाई डी एक्स, है ना बेटा। वाई का क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, नोट कोई नहीं करेगा सिर्फ बोर्ड की तरफ डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने कहा सर यू बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम वी को, फिर प्लस वी बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम यू को, यही है ना। अब देना अपना वैल्यू, मुझे पता यू का वैल्यू क्या है एक्स, एक्स ऐसे रखेंगे
लेकिन अब डिफरेंस किसकी निकालनी है, साइन एक्स, वो तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है ना। फिर प्लस, अब बेटा वी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स लिखा मैंने, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है ना। सभी लोग देखिए ध्यान से, आपने कहा एक्स एज इट इज, सर साइन की डिफरेंस है कॉस एक्स लिखूंगा, कॉस एक्स। फिर प्लस, अब साइन एक्स ऐसे रहेगा, सर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स है ना, एक्स का पावर कितना है, वन, पावर डाउन पावर n-1, मतलब पावर डाउन पावर में। तो अब सिंपल, ये भी ऊपर dx नीचे dx, dx dx कैसा होगा ना, वन, तो इसकी आएगी डिफरेंशिएशन वन। अगर यहाँ पर किसी को डाउट है मैं सिखाऊंगा, आपने कहा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर वन, जिसका कुछ भी पावर नहीं है उसका पावर वन है ना, कर लो पावर रूल, पावर डाउन पावर n-1, ये बनेगा वन इंटू एक्स रेज पावर वन माइनस वन है ना, ये बनेगा वन इंटू एक्स रेज पावर जीरो, एनीथिंग रेज पावर जीरो वन होता है ना, तो ये आएगा ना वन इंटू वन कितना बनेगा, तो ये वन मैंने लिखा ना यहाँ पे पक्का क्लियर। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन द एक्सरसाइज, ओके राइट डाउन दिस।